त्रिपुर की हमने बहुत सारी खबरें दिखाई, तमिलनाडु त्रिपुर की, कि यहाँ के जो मजदूर हैं हिंदी बोलने वाले वो सुरक्षित हैं कि नहीं। आज हम दूसरी खबर दिखाते हैं। दूसरी खबर ये है कि यहाँ कपड़ों का एक बड़ा हब है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहिए कपड़ा बनता है और उसी में हमारे बिहार यूपी के भाई मजदूरी करते हैं। यहाँ भी कपड़ा बनता है, जिस जगह हम आए हुए हैं यहाँ बच्चों का कपड़ा बनता है और बच्चों का कपड़ा कैसे बनता है ये दिखाएंगे और बताएंगे। क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद अमानुल्ला नाम है। अमानुल्ला जी, बताइए शुरुआत से कि बच्चों का कपड़ा यहाँ कैसे बनता है। हम इसके इस फ्लोर के ऊपर में भी जाएंगे और दिखाएंगे कि फाइनल टच कैसे दिया जाता है और रॉ मटेरियल से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग ऐसे कपड़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, ये इसको फिर डाइंग करवाते हैं हम लोग। इसको डाइंग करवाते हैं। हिंदी बोलिए एकदम, हमारा गरीब लोग देखता है। हिंदी बोल रहे हैं, इसको डाइंग करा, इसको रंगाते हैं। हाँ रंगाते हैं इसको। ठीक है, इसको रंगा के देखिए। ये देखिए, पहले सादा रहता है हर कपड़ा का, जो भी कपड़ा होता है बनता है पहले इस तरह का व्हाइट व्हाइट ही रहता है। हाँ, ऐसे ही व्हाइट ही रहता है, क्रीम टाइप से। अच्छा, उसके बाद कलर कराते हैं। आइए कैफ जी, कलर कराते हैं। देखिए बहुत सारा रंग वो दिख रहा है, वैसे ही हो जाता है। बस ऐसे ही हो जाता है, लाल पीला हरा गुलाबी। कॉम्पेटिंग करवाते हैं इसको। हाँ हाँ, इसको कॉम्पेटिंग करवा के फिर आता है, फिर यहाँ पे कटिंग होता है। कहाँ कटिंग होता है? इधर दिखाए कैफ जी, इधर देखिए कटिंग कर रहे हैं लोग। ये तो काट के एक शेप दे रहे हैं ना वो। यहाँ पे कटिंग लेयर बिछाते हैं पहले, 10 कलर का 10 कलर में बनता है। अच्छा, यानी जब 10 कलर में कपड़ा बनता है तो 10 कलर का लेयर बना देते हैं। ठीक है, अब पीस का क्वांटिटी रहता है, 1000 2000 4000 इस टाइप से रहता है। तो उस हिसाब से लेयर डालते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद कटिंग होता है, उसका फ्रेम से कटिंग होता है। हाँ, उसका फ्रेम पहले दिखा देते हैं फिर उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे फ्रेम है, वो पैटर्न है। क्या बोलते हैं इसको? पैटर्न, पैटर्न है ये, है ना? इसको उसके ऊपर रख देते हैं। हाँ, उसको पैटर्न, और यहाँ से कटिंग करते हैं। ये मशीन है, ये कट के बचा हुआ जो है, ऐसे 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 है ना, उससे निशान दागे दे देते हैं। ये आपके यहाँ बना हुआ है सांचा खांचा, है ना? आ कटिंग होके फिर देखिए इस तरह का। ये कटिंग वेस्ट है। अच्छा, वेस्ट है जो कतरन बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गए इसको। हाँ, ऐसे ही सेल कर देते हैं इसको। अच्छा, कतरन को, और जो कट के जो आता है वो यहाँ पे है। ये देखिए कटिंग करने के बाद इस तरह से बनता है, नहीं? कटिंग करने के बाद इस तरह से पीस बनता है, मतलब कटिंग हो गया है। इसके बाद ये प्रिंटिंग में जाएगा, वहाँ से प्रिंट होके आएगा वो। अच्छा, उसमें छपैया होगा? हाँ, क्योंकि बच्चा का है तो उसमें कार्टून वगैरह, एम्ब्रॉयडिंग होगा, कुछ सीक्वेंस होगा। हाँ हाँ, उसमें ABCD वो कुछ भी ऐसा, स्माइली भी कर सकते हैं, इमोजी, ये सब बनता है। क्या बता रहे थे भैया? हाँ, यहाँ तो हम बताए कि कटिंग करेगा। अच्छा, डेमो करेंगे, कटिंग करके दिखाएंगे। चलिए, तो कटिंग करके दिखा रहे हैं भैया कि कैसे कटता है। ये फ्रेम है इसका, नहीं? क्या बोलते हैं इसको, बोले? इसको स्लीव, मतलब इसी का मतलब पैटर्न ही रहता है। हाँ, इसको यहाँ पे सेव करके ऐसे रखेंगे। हाँ, इसी के सेव में काटेंगे। देखिए देखिए कट रहा है, आ सब इतना सारा एक साथ कट गया। ये कितना पीस एक साथ कटा होगा? ये पीस कटा होगा मिनिमम 100 पीस। हाँ हाँ, अन्ना तारी हिंदी तारी वहाँ तेरी आती है? तमिल दा, इंग्लिश, इंग्लिश तेरी आती है? इंग्लिश भी नहीं आता, तमिल आता है। हेलो पीस कटिंग। हाँ, इंग्लिश तारी वहाँ तेरी आती है? इंग्लिश तेरी आती है? इल्ले इल्ले। तो ये देखिए, ये कितना पीस है? हाउ मच पीस? 50 पीस 50 पीस 100 50 100 सिंगल 50 पीस स्लीव। क्या बोल दिए? 100 पीस 100 पीस वही तो बोल रहे थे। तो देखिए कटिंग करने के बाद कितना स्मूथली कटा है, सब बराबर, और इसी से बच्चों का कपड़ा बनता है। ऊपर चलते हैं, अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है वो दिखाते हैं चल के। आइए भैया, आपका घर हुआ कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ झारखंड। झारखंड में कहाँ दोस्त? झारखंड बरही। बरही वो चौक? हाँ, चौक पे। समझ गए समझ गए, ससुराल जाते हैं ना हम। हाँ, तो बरही होके जाते हैं। अच्छा। हाँ, उधर बोकारो तरफ ससुराल है ना, बोकारो। अब पीछे घुमाई, देखिए इधर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। स्टिचिंग होता है? हाँ, क्या होता है यहाँ? स्टिच होता है, सिलाई। देखिए स्टिचिंग तो हम बूझे जाएंगे लेकिन एकदम सब आदमी नहीं समझ पाएंगे। स्टिचिंग तो जानते हैं हम लोग, यहाँ पे सिलाई होता है। हाँ, यहाँ पे जितना पीस है प्रिंटिंग होने के बाद, हाँ,
इस टाइप से प्रिंट आता है। आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ सिलाई हो रही है, स्टिचिंग देखिए। ये एम्ब्रॉयडिंग होके आ गया है, उसके बाद यहाँ सिलाई हो रहा है। कुछ इसमें सिलेगा, कुछ उसमें, मतलब सबका अलग अलग काम होता है। सबको सिलाई, देखिए सिलाई हो रही है। हाँ सिलाई हो रहा है वहाँ पे। सिलाई करने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो उसके बाद ड्रीमिंग में जाता है। वो क्या जाता है, उसको सेट से जो निकलता है ना इसका धागा वगैरह, हाँ, कट तो सेट से कट कट करते हैं। अच्छा वो भी देखते हैं कैसे होता है। देखिए उधर भी ये लोग जो हैं तमिल महिलाएं है। हाँ सब तमिल ही है, और ये कुछ हिंदी भी है। अच्छा हिंदी भी है, ऐसा नहीं है कि अन्ना हिंदी तड़ीवा तमिल तमिल। अच्छा यहाँ के जो मालिक हैं वो हिंदी वाले हैं। अन्ना हिंदी तड़ीवा बोलिए, कहाँ से हैं? हम यहाँ से तमिल वाले हैं। हिंदी जानते हैं? जानते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों का कपड़ा यहाँ बनाया जाता है, तो आप हिंदी कैसे जानते हैं? तो हम मुसलमान हैं ना, उर्दू बात करते हैं, इसलिए जानते हैं। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? रहीम खान, अंसर रहीम खान। रहीम जी, आप लोग तमिल वाले हैं, हिंदी वालों को दिक्कत करते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, सब मिल के काम करते हैं। सब मिल के काम कर भी रहे हैं। और ये जो है आपके बॉस जो है वो हिंदी वाले हैं? हाँ हिंदी वाले हैं, मुसलमान है, हिंदी वाला गाँव उधर का। और यहाँ पर काम करने वाले देखिए तमिल वाले, तमिल वाले मालिक हिंदी वाले, झारखंड वाले, और जो मजदूर हैं वो तमिल वाले, तमिल वाले। वाह, ये क्या है? ये तो धागा की तरह ये जा रहा है। ये रिब मतलब नेक में डालते हैं। अच्छा, जो नेक में अलग से होता है ना, बीट जैसा। हाँ हाँ, बीट के जैसा मोटा रहता है। अच्छा उसके बाद क्या, सिलाई होने के बाद इधर आता है, एनिंग होता है। अच्छा यहाँ पे एनिंग हो रहा है, एनिंग होगा यहाँ पे, उसके बाद एनिंग के बाद यहाँ पे पैक होगा। अच्छा आयरन हो रहा है यहाँ, देखिए आयरन कर रहे हैं। तो जलता नहीं, गरम चढ़ा देते हैं इस पे? वो स्टीम है वो। अच्छा स्टीम वाला, ओनली गैस, स्टीम है, स्टीम माइनिंग है वो, गरम नहीं होता? नहीं, जलने का कोई चांस नहीं हो सकता, स्टीम वाला होता। और देखिए उसके बाद का अगला प्रोसेस जो है वो पैक हो रहा है। कितना स्पीड में पैक कर रहे हैं, वाह गर्दा उड़ा रहे हैं जी जी। ओ देखिए पैकिंग कितने, किस गति से पैकिंग हो रही है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अबू तागिर। अच्छा कहाँ से हैं आप? कहाँ घर हुआ? उर नेम अविनाशी, त्रिपुर अविनाशी। अच्छा ये लोकल यहीं के? हाँ हाँ। देखिए देखिए स्पीड देखिए नहीं, होली पंडिया क्या बोले ये? सोली होली नहीं, मीडिया मीडिया। ये देखिए पैकिंग का काम यहाँ होता है, काम होता है। उसके बाद इस टाइप से 10 कलर बंडल। अच्छा 10 कलर देखिए, उधर है ऑरेंज ऑरेंज एक साथ, हरा हरा टाइप एक साइड, 10 कलर रह जाता है। अच्छा 10 है, 1 2 सब अलग अलग, 3। हाँ अच्छा उधर देखिए, और उसके बाद देखिए 10 कलर का है और सब एक एक कलर इसमें है। 10 पीस 10 पीस का एक बंडल बन गया। यही है ना? हाँ ये ब्रांड कंपनी है, कंपनी का नाम हर जगह मिलेगा आपको, गूगल में मिलेगा, कहीं भी सर्च करिएगा, लिटिल ड्रीमर नाम है इस कंपनी का, लिटिल ड्रीमर। हाँ यहाँ से माल बहुत जगह जगह जाता है, मुंबई दिल्ली हैदराबाद। अगर किसी को लेना हो तो कॉन्टेक्ट करे, लिटिल ड्रीमर नाम से आएगा वो गूगल में, उसका फोन नंबर भी आएगा, उसमें आप फोन करके उसमें कुछ अच्छा लगा आपको तो उससे ऑर्डर दे सकते। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे ये पैंट सिल रहा है, पैंट बच्चा का पैंट। हाँ बच्चा का पैंट, यहाँ पे कुछ मार्कर दे रहा है उसमें कुछ पॉकेट के लिए। हाँ पॉकेट के लिए, राइट। चलिए तो हमने दिखाया कि त्रिपुर में कैसे बच्चों का कपड़ा बनाया जाता है, भाई साहब ने बताया, इसके लिए शुक्रिया। और यहाँ के मालिक जो हैं, जहाँ कपड़ा ये बन रहा है बच्चों का, इसके मालिक हैं झारखंड के, और यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर तमिल हैं, तमिलनाडु के हैं। तो ये मेल जोल के साथ यहाँ पर रहते हैं लोग, काम करते हैं। तो इस बात के लिए भी आपकी क्या राय है, और जिस तरह से कपड़ा बनता है बच्चों का वो दिखाए, उसके लिए भी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।